ऐ मेरी बदनसीब आंखों, शायद तुम्हारे मुकद्दर में नहीं। अब तो बस भाभी जी के तसव्वुर के चूल्हे पर अपनी कामनाओं को सेकना है। ऐ मेरी बदनसीब आंखों, क्या हुआ नू? अनु छोड़ो ना, क्या कर रही हो? कोई देख लेगा। अनु, जब भी मैं तुम्हें गले लगाता हूं तो मुझे ऐसा ऐसा लगता है जैसे मैं किसी डाइटिंग की हुई बकरी को गले लगा रहा हूं। लेकिन आज मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बकरी ने काफी दिनों से बदपरहेजी की है? You've been eating chocolate, naughty girl. Debo. अनु, तुम्हारी आवाज इतनी दूर से क्यों आ रही है जबकि तुम उसे लिपटी हुई हो? है? क्योंकि जो तुमसे लिपटी हुई है वो मैं नहीं, गुलफाम कली है। मम्मी, मम्मी! अब ये क्या हो रहा है? वही तो मैं कहूं कि तुम इतना गदरा कैसे गई हो। देखिए नानीता जी, मैं तो इनका हालचाल पूछने आई थी यहाँ, और इन्होंने अनीता कहकर अपनी बाहों में भर लिया। No, no, no. She's lying. झूठ बोल रही है यार, come on. बल्कि ये अपने आप मेरी बाहों में आके भर गई। अरे क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? हैं? क्यों झूठ बोल रहे हैं? ये आ गए, भूस में चिंगी डाल, जमा लो, दूर खड़ी। देखिए भाभी जी, अपनी आंखों की रोशनी जाने का क्या भरपूर फायदा उठा रहे हैं ये। एक्सक्यूज मी, आपको कैसे मालूम चला कि मेरी आंखों की रोशनी चली गई है? अरे वो सब छोड़िए, आप अपनी आंखों की रोशनी के साथ साथ अपने चरित्र की रोशनी भी खो बैठे हैं। चुप रहिए, आपको तो मौका मिलना चाहिए मुझे नीचा दिखाने का, बस। Enough. मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें गुलफाम कली के साथ चिपकते हुए देखा है। भाई मैं चिपका नहीं था, चिपकाया गया था, मतलब ये आगे मुझसे चिपक गई थी। I know. और अगर ये सच भी होता ना तो भी मैं यकीन नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा विभू ऐसा कर ही नहीं सकता। खाना बनाना आता है तुम्हें? मालकिन, आप तो उंगलियां चाटती रह जाएंगी। और क्या क्या काम आता है? नाच लेते हैं। What do you mean? बिल्कुल ऐसे ही हमको चोट लगी। जब तुम्हारे बेटे ने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया और तुम्हारी बेटी ने उसकी मदद की। मैं तो सारी जिंदगी भगवान को मानती रही, लेकिन फिर भी इस घर ने कितना कुछ झेला। अब भले ही तुम लोग इसे अंधविश्वास मानो, लेकिन मैं नहीं चाहती अब इस घर में कोई भी बुरी शक्ति रहे। सर! ए, रुक! ए, रुक! ए, रुक! अरे मार, मैं तो सामने से मार! इस तरह छुप के वार करने में कोई बर्दाश्त नहीं है।